एक लड़की थी दीवानी सी, बहुत हार्ड करके सबका बहुत हार्ड किया करती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके टिकटॉक वीडियोस बनाया करती थी। जब भी मिलती थी मुझे यही पूछा करती थी, बहुत हार्ड हुआ क्या, बहुत हार्ड हुआ क्या? और मैं यही कहता था, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये हार्ड कैसे होता है। जी क्या हाल है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत हार्ड इन्फ्लुएंसर, बहुत हार्ड टिकटॉकर, बहुत हार्ड यूट्यूबर के बारे में। पर्सनलिटी नहीं है वैसे तो, आई लव हर एज अ फ्रेंड, मतलब एज अ फैन। आई लव हर एज अ फैन, नॉट हर कंटेंट। कंटेंट देखने से पता चलता है कि लड़की बहुत अच्छी है। एक बार के लिए तो मैं भी फ्लैट हो गया था, पर क्या करूं, मेरे अंदर वो कीड़ा है ना, वेले सबकी ले ले, वो साला चैन से बैठने नहीं देता मेरे को। अब देखो, वैसे तो मेरे सारे सपने जो है मेरे सपने में पूरे हो ही रहे हैं, लेकिन एक और मेरा सपना है कि मैं गीमा आशी को रुको जरा सबर करो, ओए गोल्डी ओए, ओ कुड़ी तो ना की है, रियल नेम की है। अच्छा गरिमा, तो अब गीमा आशी क्यों लिखती है? तो भी तो वही वेले लिखता है, चादर मोड़। यार विला तो मैं हूँ इसलिए लिखता हूँ वही वेले। और सपना ये है गीमा आशी को रियल लाइफ में विदाउट मेकअप देखना है मेरे को। चलो फिर थोड़ी सी नजर डालते हैं इनके कंटेंट के ऊपर, थोड़ी सी नजर डालेंगे इनके प्लास्टिक फॉलोअर्स पे जो कि कमेंट में आके इनके कचरा करते हैं, लेंगे उनकी थोड़ी क्लास। शुरू करते हैं आज की फैंटेबुलस चकास और तोड़ू वीडियो को। ब्लैक इज माई हैप्पी कलर, 16 अप्रैल को ये फोटो ली गई है। एंड वट इज योर फेवरेट सोशल मीडिया ऐप, सेम ड्रेस 27 अप्रैल को। अब ये तुम्हें मैंने क्यों दिखाया कि अलग अलग डेट्स पे सेम ड्रेस है, मैं बताता हूँ इनका सिस्टम क्या है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का 50-60 पिक्स तुम एक जगह पे खिंचवा लो, अलग अलग टेढ़े मेढ़े पोज करके, किसी में पाउट कर लो, किसी में अपनी टांग ऊपर कर लो, किसी में अपनी बूटी निकाल लो, किसी में ऐसे ऐसे कर दो आंखें बंद करके, क्यूटी पाई लगे। और वैसे भी लड़के तो ठरकी है, उन्होंने तो तुम 16 अप्रैल को करो या 27 अप्रैल को, उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको तो ठरक से मतलब है। उनका क्या है, उनको तो आटे से भरी दुकान कभी भी दिखा दो वो तो लाइक ठोक ही देंगे। Am I right? और am I right? क्या तुम देख रहे हो इसमें, ये क्या पोज है? नहीं, are you चश्मिश like me? वो तो मैं हूं, वो तो मैं हूं, लेकिन ये पोज है, ये कौन सा पोज है? ये डर वाला पोज है या एक्साइटमेंट वाला पोज है या हैप्पीनेस वाला पोज है, कैसा पोज है ये? एक काम करते हैं, ये तो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये तो कर सकते हैं ऐसा पोज। अगर मैं ऐसा करूं, नॉर्मल बंदा ऐसा पोज करे तो कैसा लगेगा, तुम बताना मुझे। अबे चमन लग रहा, चमन बुड़बक लग रहा है, बुड़बक। मतलब मैं करूं तो मैं बुड़बक, और ये सोशल मीडिया बहुत हार्ड इन्फ्लुएंसर करे तो मिया मिया दीदी। पे कौन है गंदी औलादे जो लिख रहे हैं मिया खलीफा, यू लुक लाइक मिया खलीफा। उसने बड़े वाला चश्मा पहन लिया और उसको ऐसे नीचे कर लिया तो वो मिया दीदी। बॉल अच्छे हैं नहीं भाई, एक्स वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आया हुआ है, तू है जमीन बंजर, ऐसी औलादे कंजर। बताओ यार, ऐसे तो कमेंट्स आते हैं ये बहुत हार्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पोस्ट पे। Everything's gonna be alright, #GimaAsi। 15 मई की फोटो है। एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन हाउ स्ट्रेस्ड यू आर, जस्ट रिमेंबर हाउ ब्लेस्ड यू आर। 4 मई की फोटो है। 15 मई, 4 मई, कोई नहीं बोलेगा, दीदी ने रिपीट करा है, कोई नहीं बोलेगा, सेम फोटो है, कोई बोलेगा ही नहीं। आई डोंट लाइक दिस। वो गीमा आशी है, बहुत हार्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत हार्ड। तू लटका के मटका के चलती है, भटका के ध्यान मेरा। वाओ क्या लवली फोटो है, गुड वाइब्स ओनली। इसके बाद तो रिपीट नहीं करी होगी दीदी ने, मुझे नहीं लगता। 28 मार्च की फोटो है। ना 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 ना, मतलब इतनी अमीर हैं ये टिकटॉक स्टार्स, इनके पास तो रिपीट करने का वो ही नहीं है ना सिस्टम। एंजॉय एवरी पर्पल मोमेंट। मैं जा रहा हूँ, ये 24 मार्च की, मैं करना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं है। मतलब मायवे मैं क्यों जाऊं, मायवे मैं महीने बाद भी सेम टी शर्ट पहना हूं ना वीडियो में, लोगों के कमेंट आने लगते हैं, अबे गरीब है क्या, टी शर्ट ले ले, कोई नई टी शर्ट ले ले, यूट्यूब से पैसा कमा रहा, पैसे नहीं है क्या तेरे पास? और यहाँ पे सेम ड्रेस में फोटो अपलोड हो रही है, काम करते हैं इस फोटो पे कमेंट पढ़ते हैं। आई वॉन्ट वन नाइट स्टैंड विद यू, फिर चपा चप चपा चप चपा चप। वन नाइट स्टैंड है, खुद का स्टैंड होता नहीं है, इनको करना है वन नाइट स्टैंड। राय जितना छोटा है इनका, राय जितना स्मॉल, और बनना है इनको जॉनी सिंस। और ये देखो लॉन्डे ने क्या कर रहा है, वाह वाह एक नंबर, सुपर ऑसम फैंटेस्टिक A1। 4-5 बार और कमेंट करते था, डाटा तो जा नहीं रहा तेरा, तू माए हुए 6 बार कमेंट करे, 6,000 बार उसका रिप्लाई नहीं आना। सुपर ऑसम
फैंटास्टिक। अरे ये पोज ना मुझे भी करना है, ऐसे लड़कियों को मैंने देखा है, ये क्या होता है ये पोज? नहीं बालों में तुम्हारी जुएं हैं ऐसे करके निकलती हैं क्या? वेक अप टू अ सन किस डे, गुड मॉर्निंग फैम। नहीं मैं जाता हूँ धूप में फोटो लेने तो मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं साला, मेरी आंखें ही नहीं खुल पाती। इनके चेहरे पे ग्लो ही खत्म नहीं हो रहा है। इतना ओवर मेकअप क्यों करती हो? मेकअप से खतरनाक फेस हो गया। मेकअप की दुकान, क्या पता इन लौंडो को, क्या पता इन लौंडो को कि दीदी की नेचुरल ब्यूटी है नेचुरल। मीनवाइल ओ भाई मारो मुझे मारो। तुम सबको एक याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी मेकअप हटेगा सबका कटेगा, कटाना 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 देख के। ड्रेस लाइक डैश क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट द सेंटेंस। नहीं फिल इन द ब्लैंक चल रहा है यहाँ पे, टीचर हो आप हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स करें यहाँ पे। पर एक बात समझ नहीं आ रही, ये टांग हवा में क्यों उठा रखी है? व्हाई दिस टांग इन हवा? मुझे ना ये वाला पोज लड़कियों को कभी समझ नहीं आता, टांग हवा में। नहीं मतलब पोज पोज टांग वो पोज हवा में। अबे क्या सोचते हो यार तुम। चलो देखते हैं कमेंट्स में किस चमन लंडूरे ने फिल इन द ब्लैंक्स करा है। ड्रेस लाइक अवनीत कौर, कुछ भी कुछ भी, स्कर्ट उठाओ थोड़ा सा। अरे कोई इस चमन लंडूरे को बोलो खुद स्कर्ट पहन ले, नीचे अपना पंखा लगा ले। नहीं यहाँ पे मुजरा चल रहा है, तेरे को स्कर्ट उठा के दिखाएगी वो? वहां दीदी तुमसे फिल इन द ब्लैंक पूछ रही है और तुम्हें स्कर्टें उठवानी है? ये क्या लिख रहा चमन लंडूरा, लव दैट लॉन्ग लेग। अबे कौन है लंबी टांगों का प्यासा साले, लव दो सेक्सी लेग्स होता है। बट एंड आई मीन आलिया बट वाली बट, लव दैट लॉन्ग लेग। कोई इसके मुंह में खली का लंबा मतलब खली की लंबी टांग दो साले के मुंह में। रिलैक्स एंड रिचार्ज, हैप्पी संडे काला दिल। नहीं फोटो को देखें और कैप्शन को देखें तो दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, 90-180 जो भी होता है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। टट्टी जैसा फेस है, अबे यार ये लोगों का मुझे समझ नहीं आता कमेंट करने से पहले कुछ सोचते क्यों नहीं। अगर उसका टट्टी जैसा फेस होता ना तो अपने संडास से कभी बाहर नहीं आता, पूरे टाइम अपने टट्टे मतलब अपनी टट्टी को निहारता रहता तू। वाह क्या टट्टी मतलब क्या टट्टी है। मुझे लगता है कई लोग टट्टी सूं के ही साला कमेंट करते हैं। नहीं एक बार पाउट देखो लड़की का, कितना अच्छा पाउट बना है और तू टट्टी जैसा बोल रहा है। मैं वहां होता ना मतलब कंट्रोल कंट्रोल तो कमिटेड है। तो ये तो ही गरिमा मतलब गीमा आशी की इंस्टाग्राम की फोटोज और उनके कमेंट्स की बात। अब आते हैं उनके थोड़े कंटेंट पे। भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं ये हम ऐसे कैसे चलेगा गीमा, 2 kg मेकअप इज खराब। नहीं अजय देवगन के सामने प्रपोज कर रही थी का जो उसने विमल थूक दिया जुबान केसरी। पट से हेडशॉट लगता भी है ना तो सारा कंट्रोल चला जाता है बॉडी का, क्योंकि माइंड से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। लेकिन ना दीदी ने हाथ में फूल भी पकड़े हुए हैं, दीदी ने सर को भी पकड़ा हुआ है। टिकटॉक है कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ लोग उंगलियों से गोली चलाते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल था कमेंट डाउन योर फर्स्ट मोबाइल फोन मॉडल। और कमेंट्स क्या आए हैं, चुप मिट्टी गीमा आशी ने तुमसे फोन पूछा है तो ये मीठी कहां से आ गया? टिकटॉक वालों की एंगेजमेंट मुझे समझ नहीं आती। मैं यूट्यूब पे बोलूंगा अगर तुम सब्सक्राइब मारो तुम करोगे ना सब्सक्राइब, मैं तुम्हें बोलूंगा बेल आइकन दबाओ तुम घंटा हिलाओगे ना, इनकी ऑडियंस का सिस्टम ये लगा है। फैम अपना फोन मॉडल बताओ। ए मिठी चुप मिठी। एक भैया ने तो इस वीडियो पे कमेंट करा हुआ है वाइब्रेटर। अरे भैया अपनी इंकी पिंकी पोंकी हब वाली दुनिया से बाहर आओ, बाहर भी उसी एक दुनिया है। इसके बाद जो मैंने सुना और जो देखा मुझे लगता है वो ना सुनना चाहिए था ना देखना चाहिए था। नो ये झुमका उसकी पसंद का है और ये मुस्कुराहट उसे पसंद है। ये झुमका उसकी पसंद का है और ये मुस्कुराहट उसे पसंद है। लोग पूछते हैं सबब मेरी अदाओं का, मैं कहती हूँ उसे पसंद है। सेम टोन वही सेम टोन कुकू। आई हेट दिस टोन। अब मेरी भी सुन, मुझे उसकी पसंद से घंटा नहीं पड़ता फर्क, मुझे उसकी पसंद से घंटा नहीं पड़ता फर्क। अबे चल परे सरक, ओ परे सरक। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। 150 रुपया देगा। चलो ठीक है पहली वाली मेकअप नहीं था, दूसरी वाली मेकअप आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये दांत अंदर करने वाली ट्रिक तो बता दे यार प्लीज। तुम्हारा स्टाइल और तुम्हारी स्माइल इस दिल में तूफान ला देती है। अबे पतले पिंती शक्ल के अगर ये तेरे दिल में तूफान ला देती है
तो सनी लियोनी अगर तेरे टीवी पे आ गई तो साले तुम्हारा तो घर ही उड़ा देगी वो। इतनी बार बोला है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, इन स्टडीज यू ध्यान दो, लेकिन नहीं नहीं चनूने काट रहा है। तो चलो यार, आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूं मैं। तुम्हें वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड जो लाल बटन है सब्सक्राइब ऐसा दबा देना, ठीक है? क्योंकि हमारी तो ज्यादा बनती है, तुम मेरी मान ही लोगे यार। वो टिकटॉक वाली एंगेजमेंट है, अपनी तो सिस्टम अलग है ना यूट्यूब वालों का। चलो मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए इश्यो बड्डी बेला बॉय।